बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई एक खबर से अपडेट कर देता हूँ मैं। खबर तो अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अब बहुत से भाई मुझे बोलते हैं यार तू खबर अच्छी कोई दे यार, या तू झूठ बोल रहा है। झूठ तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं आपको यहाँ पर इस चीज के मतलब प्रूफ देकर बात करूंगा, ठीक है जी। ये इल्जाम आप मेरे पर मत लगाएं यार, खुदा का नाम है। तो अगर अच्छी खबर के मुतालिक बात करूं तो भाई आपके इकामे 300 रियाल में लगने शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो गई हैं, सऊदी अरब में हर लेबर की तरह सैलरी 5,000 कर दी गई है। मेरे कहने से क्या होगा यार, आप समझदार हैं खुद से। जो अगर खबर अच्छी है मैं अब आपको अच्छी बता देता हूँ, जो बुरी है यार, ये बुरी से मुराद ये है कि जो जिसके जिस खबर को सुनने के बाद हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं तो आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ भाई, जो अच्छी हो या बुरी हो या एहतियात वाली हो, जो भी हो। बहरहाल न्यूज़ के मुतालिक बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो दिखा भी रखूँगा, आप खुद से भाई पढ़ भी सकते हैं। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, अरबी इतनी तो आपको आती होगी जी। 11,086 अफराद के बाइक केस निपटाए गए हैं इस अक्टूबर के अंदर। अच्छा, इसमें कौन से केस थे, सॉरी इसमें वो केस नहीं थे भाई जो जिन बंदों ने कफीलों के ऊपर केस किए हुए हैं, अपने पैसों के, अपने इकामों के, अपने खरूज के लिए या नकल कफाला के लिए, वो केस नहीं, वो इसके अलग हैं। ये उन बंदों के केस हैं जिनको अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर से पहले ही अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये जो केस सुनाए गए हैं 11,086 अफराद के, ये अक्टूबर में सुनाए गए हैं। इन फैसलों का, यानी कि इन केसों का फैसला कर दिया गया है, जिनमें कैद, कुछ बंदों को कैद की गई है, यानी कि जो कोई बंदा चोरी वगैरह करता हो या कोई और जुर्म में पकड़ा गया तो उसको कैद जितनी होनी थी उसको लिखकर जेल में भेज दिया गया है। कुछ बंदों को जुर्माने किए गए हैं, जैसा कि खिलाफ वर्जी करने वाले, जैसा कि हाल ही में मैंने आपको बता दिया था, आप खुद से अपना खुद से कोई भी किसी किस्म का कारोबार करते हैं, हालांकि आप उसके लाइक से मुराद यही होती है ना कि आप कंपनी से भागे हुए हैं, कफील से भागे हुए हैं, या कफील को मंथली दे रहे हैं, तो आप अपना खुद से बाहर से काम कर रहे हैं, पकड़े गए तो वो भी भाई अनलीगल है। तो वो बंदे, उनको जो फाइन वगैरह हो जाता है पकड़ने के बाद, वो उनको फाइन देकर, या कुछ भी और यानी कि चीज को लेकर आपको फाइन वगैरह हो, तो वो फाइन जिनको किए गए हैं वो, और जो बेदखल किए गए हैं, जो बात पॉइंट वाली उठाऊंगा इसमें से मैं, वो है, अभी आपको मैं इसके थोड़ी डिटेल बता देता हूं मैं, जो बेदखल किए गए हैं, यानी कि यहां से भेज दिए गए हैं, यानी कि तरहील के थ्रू आप बोल रहे हैं, ठीक है जी। 11,086 अफराद, अभी इनमें से आप मेरा खुद से अंदाजा है 7 से 8, या हो सकता है इससे भी जायद बंदे वो हो जो बेदखल किए गए, यानी कि जो तरहील के थ्रू भेजे गए हैं। आपको पहली कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूं भाई, अभी पकड़ दकड़ का सिलसिला काफी जोरों शोर से जारी है, तो अपनी एहतियात करें। अगर आप पकड़े गए, आपके पास इकामे नहीं, आपके इकामे एक्सपायर हैं, तब भी अगर आप हरूब है, आपका मतलूब है, या किसी और आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का और केस है, तो आपको उस हिसाब से जेल कर दी जाएगी या फाइन कर दी जाएगा, या आपको भाई जेल में रखकर आपका खरूज लगाकर, यानी कि जिन बंदों के इकामे एक्सपायर होते हैं ज्यादातर वही ऐसे जाते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको तरहील के थ्रू यानी कि भेज दिया जाएगा, आप दोबारा सऊदी अरब में ताहयात आ भी नहीं सकेंगे, ये भी अपने जहन में रखिएगा। उम्रा हज के लिए आप आ सकेंगे, लेकिन वर्क वीजा के ऊपर आप ताहयात सऊदी अरब इंटर नहीं हो सकेंगे, ये हो सकेंगे। तो ये एक न्यूज है जी, 11,000 प्लस अक्टूबर में मेरे हिसाब से केस फाइनल कर दिए गए। मैं तो बोलता हूं नवंबर में 22,000 होने चाहिए, यानी कि जो बंदे जाना चाहते हैं यार उनको धड़ाधड़ भेज दें, यही बेस्ट है।